नेता दशरथ भगत ने लॉन्च किया मोबाइल वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। प्रभाग 65, 77 एवं 78 के नागरिक करा सकेंगे पंजीकरण। नवी मुंबई के प्रभाग 65, 77 एवं 78 के लिए बीजेपी नेता दशरथ भगत ने आज मोबाइल वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की लॉन्चिंग की। वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में जूही नगर में इस वोटर एनरोलमेंट मोबाइल ऑफिस का उद्घाटन किया गया। यह एक मोबाइल ऑफिस वैन है जो उपरोक्त प्रभागों के हर मोहल्ले में जाएगी और लोगों को वोटिंग लिस्ट में अपना नाम पंजीकरण कराने में मददगार बनेगी। बीजेपी नेता दशरथ भगत ने उद्घाटन करते हुए विश्वास जताया कि यह नागरिकों के लिए उपयोगी सेवा साबित होगी। वहीं युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि ऐसी मोबाइल ऑफिस वैन प्रभाग 65, 77 एवं 78 के हर इलाके में चलेंगी और जो लोग कोरोना के कारण घर से बाहर जाकर वोटर लिस्ट में नाम रजिस्ट्रेशन कराने से कतरा रहे हैं वे घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेंगे। निशांत भगत ने नागरिकों से इस सेवा का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। मोबाइल एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये संकल्पना इसके वजह से है कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसमें लोग ऑफिस में आने के लिए डर रहे होंगे शायद, तो ऐसे कुछ लोग हैं कि उनको ऑफिस में नहीं आना है लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं कि उनको डर लग रहा है, कि इसके वजह से हम लोग ने सोचा कि हर सोसाइटी के सामने मेरा मोबाइल ऑफिस कैसे पहुँच सकता है और उनका वोटिंग लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है। इसीलिए हम लोग ने आज मोबाइल ऑफिस का ओपनिंग यहाँ पे दशरथ भगत साहब के हाथों से किया हुआ है। आपने देखा रहेगा कि वार्ड के सब सीनियर सिटीजन और सब लेडीज़ यहाँ पे आई थी, उनके हाथों से ही हम लोग ने नारियल फोड़ के ये ऑफिस का ओपनिंग किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरे प्रभाग क्रमांक 78, 77 और 65 के सभी वोटर्स लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिन जिन लोगों का 18th year 1st January 2021 जो लोग 18 साल के ऊपर है या 18 साल पूरा हुआ है, ऐसे जिनका जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है वो सब लोग इस मोबाइल ऑफिस का आप पूरा लाभ उठाइए और अपना नाम वोटिंग लिस्ट में लाने के लिए आप सहयोग कीजिए। गौरतलब है कि अगले कुछ महीने में नवी मनपा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार ने नागरिकों से वोटर पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। हालांकि अधिकांश लोग हैं जो ऑफिसों के चक्कर लगाना नहीं चाहते और ऑनलाइन प्रक्रिया से भी अवगत नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेता की अनूठी पहल वोटर पंजीकरण कराने में राहत देने वाली है। तो यदि आप भी अब तक वोटर नहीं बन सके हैं तो मोबाइल ऑफिस में पंजीकरण कराना मत भूलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।